अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आरएमटी। स्टूडेंट, आपके पास पंजाब बोर्ड का सिलेबस से मतलब मैंने काफ़ी बार बार यही बात की है कि उनका सिलेबस रिड्यूस हो रहा है। और आप देख सकते हैं बेटा, आपके पास आगे जो कोरोना के केसेस चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं अगेन, और स्कूल कॉलेजेस जो हैं जो SOPs को अप्लाई नहीं कर रहे, फॉलो नहीं कर रहे, तो उनके मतलब बंद कर रहे हैं स्कूल कॉलेज, ये आप लोगों ने देखा है। लेकिन पंजाब बोर्ड के जो सिलेबस की अगर बात की जाए तो बेटा ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, जो कि टेंटिव था सिलेबस था वो भी मैंने पहले भी दिया, जो कि आप सब लोगों ने देखा। तो बेटा आपने करना क्या है, देख सकते हैं। देखिए, पंजाब बोर्ड जो है ना, उसके अंदर जो लाहौर बोर्ड है, लाहौर से सारा का सारा कंट्रोल होता है। वहाँ पर जो चीज़ मतलब दी जाती है वो फिर आगे पाकिस्तान में पूरे जितने पंजाब बोर्ड के अंदर जितने बोर्ड्स आते हैं तो उनको आगे अनाउंस कर दिया जाता है। तो आज उनकी आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेकर जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इनका सिलेबस जो है डाउनलोड करना है। उसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल आपने गूगल पे जाना है। तो बेटा गूगल के ऊपर जाएं, जाने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है FBISE, ठीक है, लाहौर। जैसे ही आप क्या करेंगे, देख सकते हैं, उस पर क्लिक करेंगे, साइट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो बेटा आपके पास ये देख सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ चुकी है। तो आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है, देख सकते हैं ये चीज़ चल रही है कि सिलेबस रिवाइज हुआ है। देख सकते हैं रोल नंबर स्लिप के मतलब भी आया हुआ है, तो यहाँ से वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेन जो स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि सर सिलेबस से मतलब बताएं, देख सकते हैं बेटा मैंने आपको बहुत पहले खबर दे दी थी कि सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज रिड्यूस भी हो रहा है और सब ने देखा भी है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मेन कोशिश यही होती है कि ताकि स्टूडेंट की हेल्प की जाए, मदद की जाए। और बेटा आपने अब करना क्या है, आपने उसको डाउनलोड कैसे करना है ये भी मैं तरीका बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल के साथ देख लीजिएगा, ये आपको इससे फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो बेटा आपने सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक उसकी वैली क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और जैसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये देख सकते हैं इस तरीके से सिलेबस आ जाएगा, ब्रा इंटरमीडिएट पंजाब कैरिकुलम, ठीक है, ये आपके पास उन्होंने अप्रूव कर दिया है। देख सकते हैं कितने सब्जेक्ट का चेंज हुआ है, फर्स्ट ईयर के देख सकते हैं इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर। और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं यही सेम एज इट इज़ इनका भी रिड्यूस हुआ है। तो आपके पास पहले मैंने सिलेबस दिया था तो आप देख सकते हैं, तो उन में से काफ़ी स्टूडेंट ने इसको मतलब डाउनलोड किया और अप्लाई किया और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छी तैयारी कर भी रहे हैं। और इनको गेस्ट पेपर भी मैं एंड पे देने जा रहा हूँ। बेटा गेस्ट पेपर की गारंटी है, मैं इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बात दावे के साथ कर रहा हूँ कि जो गेस्ट पेपर यहाँ दिया जाएगा 80% गेस्ट पेपर आपको लाजमी वहाँ पर मिलेगा। बस ये क्या काम करना है कि आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसको आप जैसे मैंने बताया है इसको डाउनलोड करें और अपने जो भी तैयारी है उसको स्टार्ट कर दें। इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आप अपनी तैयारी अच्छी होती जाएगी। जब मैं एंड पे आपको गेस्ट पेपर दूंगा, जैसे ही आप बैठेंगे पेपर को तैयारी करने स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह जो सवाल मैं बताऊँगा वही सवाल तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा बेटा मैं आपको एक और बात बता दूँ, टाइम ज़ाया नहीं करूँगा आपका, गौर से सुन लीजिएगा, इससे बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है आपको। बेटा आपने पास पेपर जो है वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, तमाम के पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा आपने उसको एक बार देख लेना है। अगर आपने वो पंजाब बोर्ड के जो मतलब सारे के सारे जो पास पेपर हैं उनको जब मैं अपलोड करूँ तो काइंडली उनको डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर मुझे कहेंगे तो व्हाट्सएप करेंगे तो मैं व्हाट्सएप भी कर दूँगा, ठीक है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो लास्ट में आपको गेस्ट पेपर मिलने वाला है भाई जी। गेस्ट पेपर इंशाल्लाह पंजाब बोर्ड के अंदर जितने बोर्ड्स हैं सब के लिए, मुल्तान, लाहौर, डीजी खान, उसके अलावा सरगोधा, और इसके अलावा और जितने भी बोर्ड्स हैं, तमाम के तमाम हमारी जो टीम है ये इसके ऊपर काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाए, उनकी मदद की जाए। देखें बहुत तो स्टूडेंट होते हैं जिनके सोर्सेज होते हैं, वो अपने सोर्सेज के ज़रिए कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पास कोई सोर्स नहीं होता, तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आरएमटी टीवी जो है आपके पास जो भी अथेंटिक न्यूज़ होती है वो लेके आता है ताकि आपकी हेल्प हो। और कोशिश यही है, सिर्फ मेन मकसद व्यू हासिल करना नहीं होता बेटा, काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं ये व्यूज़ के लिए, बेटा हमारा काम ये नहीं है, हमारा मेन मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है, आपको गाइडलाइन देना होता है। मैं ऑलरेडी
अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल अदारे के अंदर टीचर हूँ। कोई जो बात देख सकते हैं आपने साइड्स के ऊपर, कुछ लोग दे रहे होते हैं, उन्होंने चैनल बनाए हुए हैं लेकिन वो गाइड मिस गाइड कर रहे होते हैं हमारा। मैं जो भी बात करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अथेंटिक तरीके से करते हैं। मैंने आपको 2 महीने पहले कह दिया था कि पंजाब बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हो रहा है तो बेटा आप उसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो काफ़ी लोगों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, रिड्यूस नहीं हुआ। तो देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो रिड्यूस भी हुआ है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब गैस पेपर जो आने वाला है ना वो आपकी हेल्प होगी। लेकिन मैं बेटा पहले बता दूं, आपने पहले तैयारी अपनी करनी है, साथ साथ तैयारी करते जाएं, फिर उसके बाद जब गैस पेपर आएगा तो इंशाल्लाह आपको चीज़ें जो मिलेंगी वो मिल जाएंगी, ठीक है। उसमें कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, वो आपकी हेल्प होगी। मैं इंशाल्लाह दावे से कह रहा हूँ आपकी हेल्प करूँगा। और इसमें जो KPK के जो स्टूडेंट्स हैं, FA के जो स्टूडेंट हैं, ICS है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि सर हमारा सिलेबस का क्या होगा। तो बेटा आप भी परेशान ना हो, ओवरसीज पाकिस्तानी जी हैं उनके लिए भी हैप्पी न्यूज़ है, उनका भी सिलेबस रिड्यूस होने जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा FA के जो स्टूडेंट हैं इस वक्त वो काफ़ी परेशान हैं कि सर हमारे सिलेबस के मतलब हमें गाइड करें। तो बेटा आपको बिल्कुल टेंशन है लें, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों का भी इसके बाद जल्द ही FA के जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी सिलेबस मिल जाएगा। और जो कोरोना के जो केसेस लग रहे हैं तो आप देख सकते हैं जो हालात चल रहे हैं वो इंतहाई ज़्यादा ख़राब हैं। स्कूल कॉलेज जो है बंद हो गए हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बंद है, इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, नमल यूनिवर्सिटी बंद हो गई है, वाकेंट जो है मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ, LGS स्कूल जो है वो बंद हो गया है। इसके अलावा आपके पास और भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे इदारे हैं जो बंद हो चुके हैं जो मेरे नॉलेज में नहीं है। माजद के साथ जो बात बताएंगे इंशाल्लाह सच बताएंगे, आपने देखा भी है। और जो केसेस चल रहे हैं, जो दिन ब दिन जो रिपोर्ट आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आ रही है, इसलिए सिलेबस तो रिड्यूस होना है। और पेपर जो है वो आसान तरीन आ रहा है आपके बार, लेकिन जो गेस्ट पेपर मैं देने जा रहा हूँ बेटा आपने उससे तैयारी लाजमी करनी है। लेकिन पहले बता दूँ, पहले आपने इस सिलेबस को डाउनलोड कर लें, उसकी साइट पे जाएं, सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद आपने काम यही करना है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है। और जैसे जैसे तैयारी करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी और आप रिलैक्स होकर दिन रात मेहनत करें। और बेटा कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होती है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान है सप्ली वाले क्या सर हमारा ये भी सिलेबस है, हमारे लिए भी सिलेबस होगा। तो बेटा आप लोगों के लिए सिलेबस नहीं है, ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए सिलेबस है। लिहाजा आपने पहले से सिलेबस पढ़ा हुआ है तो अब अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है तो फिर मैं इंशाल्लाह लाजमी बता दूंगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह, देखिए बेटा ये देखो मैं सारे के सारा सिलेबस शो इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए। तो बेटा आपने करना सिर्फ इतना है, उसकी साइट से डाउनलोड करें और अपनी तैयारी करें और FA के स्टूडेंट रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोगों को बहुत जल्द मैं यहाँ पे सिलेबस देने वाला हूँ। बेटा अपना ख्याल रखिएगा और लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट को कामयाब करे, आमीन।